हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद पर, हम बात कर चुके हैं, और आज बात करेंगे रूसी क्रांति पर। तो दोस्तों, हम अध्याय नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 दे चुके हैं आपको, और आपने वीडियो देखी भी होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट उसका रहा। तो अब हम इस पर बात करेंगे रूसी क्रांति पर, कि भाई रूसी क्रांति कैसे आती है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है लोगों पर, कि वहाँ इस टाइम रूसी क्रांति के समय समाज की स्थिति क्या थी, समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज के मजदूरों की स्थिति कैसी थी, समाज के किसानों की स्थिति कैसी थी, हैं, और ये किन कारणों से आई। तो दोस्तों, क्या होता है आजकल, क्या होता है, हम क्या करते हैं भाई, रूसी क्रांति के कारण क्या क्या हैं, डायरेक्ट कारणों को बता दिया, प्रभावों को बता दिया, हमने समझ लिया कि हम बेहतर ढंग से, बहुत ही समझ के साथ हमने अध्ययन किया है, और हम रूसी क्रांति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अब देखो, मैं भी आपको डायरेक्ट कारणों से ही परिचित करा सकता हूँ, कारण ही आपको बता सकता हूँ, बट उससे दिक्कत क्या है, मैं यदि आपको कारण पहले बता दूँ, भाई मैं रूसी क्रांति के कारण, डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति क्या थी, और इसके कारण मैं आपको बताने लगूँ, भाई निरंकुशकारी राजशाही की वजह से वहाँ पर रूसी क्रांति आई है, और भाई मजदूरों की स्थिति खराब थी इसलिए, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से, और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके कारणों के 10 या 12 पॉइंट बता दूंगा, और आप क्या कर लोगे, आप समझोगे कि बहुत बढ़िया, मतलब बढ़िया पॉइंट बताए हैं, बट उसमें दिक्कत क्या होगी, आपको भी बढ़िया लगेगा वो, है, उसमें दिक्कत क्या है कि पॉइंट तो आपको पता होगा, पॉइंट्स तो आपको पता होगा, बट आप पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर का सार नहीं पढ़ोगे ना, उसका परिचय नहीं पढ़ोगे, उसको एक बार रीड नहीं करोगे, तब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ को जब कर सकता है, जब उस चीज़ पर उसकी अच्छी पकड़ होगी, बट यदि मैं आपको कारण ही कारण बताऊं, प्रभावी प्रभाव बताऊं, तो इसका मतलब आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, आप केवल कारणों से ही उसको समझ रहे हो, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता है, आपको उसका भविष्य नहीं पता है, भविष्य में क्या हुआ होगा, आपको उसका मध्यम नहीं पता है, मध्यम में क्या हुआ, आपको उसकी स्थिति कुछ नहीं पता है, आपको बस पॉइंट बता दिए गए हैं और पॉइंटों के अनुसार आप उसको नोट कर रहे हो। बट हम क्या करेंगे, हम पहले सार को बताएंगे, उसका परिचय आपको बताएंगे, उसके बाद हम आपको कारणों भी बताएंगे, कारण क्या क्या थे, प्रभाव क्या क्या रहे, और भी हम सब जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं सबको कवर कराएंगे। तो इसलिए पहले आप ध्यान दें कि इस जो चैप्टर का, रूसी क्रांति का जो सार है वो क्या है, उसको समझ लें, हैं, उसके बाद हम सब कुछ आपको बता देंगे। तो चलिए अब हम रूसी क्रांति के सार पर बात करते हैं, इसका परिचय क्या था। तो दोस्तों, रूसी क्रांति की जब हम बात करें तो हमें रूसी साम्राज्य पर जाना होगा, और रूसी साम्राज्य और रूस पर किसका जो शासन था, यानी किस, कौन वहाँ का शासक था, वो था जार निकोलस सेकंड, रूस का शासक था, रूस पर शासन कर रहा था जार निकोलस सेकंड। तो इसी जार निकोलस सेकंड की कहानी आगे हम आपको बताएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहले हमने बात की रूसी साम्राज्य की, तो अब रूसी साम्राज्य जान लो, रूसी साम्राज्य के अंतर्गत फिनलैंड, लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस आदि इसके अंतर्गत आते थे, और भी बहुत सारे देश हैं जो इसके अंतर्गत आ रहे थे रूसी साम्राज्य के अंतर्गत। तो इससे क्या हुआ, रूस में, देखो रूस में बहुमत किसका था भाई, वो तो उसका विस्तारित क्षेत्र था, रूसी साम्राज्य का विस्तारित क्षेत्र क्या था, यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है, और भी लिथुआनिया, लतविया, और भी बहुत सारी कंट्रीज उसकी, ये यहाँ तक उसका विस्तार था, विस्तारित क्षेत्र हमने आपको बता दिया। अब हम बात करें रूस में बहुमत किसका था, देखो रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से एक शाखा उपजी थी, उस शाखा का नाम था रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और इसी शाखा का वहाँ पर बहुमत था, ठीक है। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का वहाँ पे बहुमत था, इस क्रिश्चियनिटी को मानने वालों का वहाँ पे बहुमत था।
तो इसके अलावा भी वहाँ पे क्या था, देखो बहुमत तो इन लोगों का था, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों का बहुमत था, बट कैथलिक भी वहाँ थे, प्रोटेस्टेंट भी वहाँ थे, मुस्लिम भी वहाँ थे, बौद्ध भी वहाँ थे रूस में। अब हम बात करें कि रूसी समाज की अर्थव्यवस्था कैसी थी और रूसी समाज की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों रूसी समाज की अर्थव्यवस्था और रूसी समाज को हम समझेंगे क्या वहाँ की कंडीशन थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस का बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ था। भाई वो क्या था, वहाँ की जो रूस की जो आबादी थी वो 85% आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर थी। ठीक है, रूस की जो जनता आजीविका के लिए 85% जनता आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर थी। और वो देखो वो खुद तो कितनी 85% जनता तो खेतीबाड़ी पर निर्भर थी, अब उनसे क्या है, वो खेतीबाड़ी पर वहाँ का बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा लोग खेतीबाड़ी में जुड़े हुए थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो लोग खेतीबाड़ी से ही अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर ही लेते थे, और ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उनके पास और भी पैदावार बच जाती थी, और उसी पैदावार को बच जाने वाली पैदावार को वो क्या करते थे, बाजार के लिए ले जाते थे और बाजार में उसको बेच देते थे। इसका मतलब वहाँ पे आजीविका के लिए आजीविका का साधन कैसे बना रूस में, वो लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, बेचते थे वहाँ की खेतीबाड़ी से जो भी पैदावार उगाते थे, जो भी फसल उगाते थे उसको बाजार में लेकर बेचते थे भी थे, और अपनी ज़रूरतों के लिए भी प्रयोग करते थे। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते थे। बट अब देखो रूस में 85% जनता खेतीबाड़ी में जुड़ी हुई थी, बट जो फ्रांस और जर्मनी था इसमें 40-50% से ज़्यादा जनता नहीं जुड़ी हुई थी रूस में, जबकि बहुत ज़्यादा यार 85% जनता आजीविका के लिए खेतीबाड़ी पर ही निर्भर थी। रूस अनाज का बड़ा निर्यातक था उस टाइम में। ठीक है, उद्योग बहुत कम थे। उन कम उद्योगों के होते हुए भी वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। वहाँ पे उद्योग बहुत कम थे और उन्हीं कम उद्योगों में एक था सेंट पीटर्सबर्ग और एक मॉस्को। तो वो क्या थे, ये प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे रूस में, 1890 के दशक में कारखाने रूस में चालू होते हैं। अब देखो रूस में रेलवे नेटवर्क को फैलाया जा रहा था, और रेलवे नेटवर्क फैलाने से विदेशी निवेश में तेज़ी से वृद्धि हुई। अब तेज़ी से विदेशी निवेश में वृद्धि हुई तो रूसी वासियों की स्थिति इसमें सुधार आने लगा, और वहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया बन जाती है इस टाइम में 1890 के आसपास। ठीक है, वहाँ पे रूस के जो कोयला उत्पादन था वो दुगना हो जाता है, रूस का कोयला उत्पादन, स्टील उत्पादन चौगुना हो जाता है, चार गुना वृद्धि हो जाती है। तो मतलब 1890 के दशक में जब रेलवे नेटवर्क रूस में फैलाया जा रहा था तो उससे विदेशी निवेश बढ़ा और तेज़ी से मतलब वृद्धि हुई निवेश में, कोयला उत्पादन दुगना हो गया, स्टील उत्पादन चौगुना हो गया। तो इस तरीके से वहाँ की स्थिति में बहुत बढ़िया सुधार आने लगा था 1890 के दशक में। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। अब 1914 में क्या था, 1914 पे यदि हम आएँ तो फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, वेतन बहुत कम था, मजदूरों के मतलब जो वहाँ पे पुरुष मजदूरों के हिसाब से महिलाओं को औरतों को कम वेतन मिलता था। मजदूरों में बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय देखो क्या कर लिया वहाँ के मजदूरों ने, बेरोजगारी आर्थिक संकट के समय वो अपने संगठन का निर्माण कर लेते थे। क्या कर लेते थे, अपना अपना संगठन बना लेते थे और मदद पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे, मतलब ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करते थे। देखो मजदूरों की बेरोजगारी और आर्थिक संकट के समय मदद करने के लिए संगठन बना लिए मजदूरों ने अपने, कि भाई आर्थिक संकट कभी भी आ सकता है, बेरोजगारी आ सकती है, तो इस स्थिति में हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए उन्होंने क्या बना लिए, संगठन बना लिए। ठीक है, और इसके बाद देखो वहाँ पे क्या होता है, हड़ताल भी कर देते थे। जैसे कि 1896-97 में कपड़ा उद्योग हड़ताल की गई, 1896-97 में कपड़ा उद्योग हड़ताल की गई, 1902 में धातु
उद्योग हड़ताल की गई, धातु उद्योग में हड़ताल की गई 1902 में। देहात की ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे। विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा होता था। किसान सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। अब देखो फ्रांसीसी क्रांति में क्या था भाई, फ्रांसीसी क्रांति के जो किसान थे वो नवाबों को सम्मान करते थे, हैं, हालांकि उन्होंने सम्मान ही नहीं, उनके लिए उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी और भी बहुत सारे नवाबों के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसान सामंतों और नवाबों को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं उनके प्रति, उनके विरुद्ध बोल रहे हैं भाई। यहाँ के किसान क्या कह रहे हैं कि ज़मीनों को छीनकर सामंतों और नवाबों से, ज़मीनों को छीनकर किसानों में बांटना चाहिए, जो सामंतों और जो नवाबों की जो ज़मीन है उनकी ज़मीनों को उनसे छीनकर किसानों में बांट देना चाहिए। इस तरह के दावे वहाँ के किसान कर रहे हैं रूस के। वो लगान भी नहीं चुकाते थे भाई, रूस के किसान क्या नहीं कर रहे हैं, लगान भी नहीं चुका रहे हैं, ठीक है। वो लगान भी नहीं चुकाते थे, लगान भी नहीं चुकाते थे। नवाब और सामंत सत्ता में थे भाई, नवाब और सामंत सत्ता में थे। अब सामंत देखो, सामंत कौन होते थे, सामंत मतलब राजा के प्रशासनिक अधिकारी। राजा क्या करता था, जो वहाँ का शासक था वो श्रेणियाँ बना देता था, ठीक है, और उन श्रेणियों को प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए वो श्रेणियाँ बना देता था, और उन श्रेणियों में जो लोग होते थे उन्हीं श्रेणियों को सामंत कहा जाता था, ठीक है। मतलब राजा प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए श्रेणियाँ बना रहा है, उसी श्रेणियाँ में जो लोग प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं उनको सामंत कहा जाता है। तो ये जो नवाब और सामंत थे ये सत्ता में तो थे, बट ये लोकप्रियता की वजह से नहीं थे। क्या लोकप्रियता की वजह से नहीं थे, क्योंकि भाई किसान तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, 85% किसान खेती कर रहे थे वहाँ पे। तो वो सभी क्या कर रहे हैं, वो इनसे इनके खिलाफ हैं, विरुद्ध हैं नवाब और सामंत के, इनको सम्मान भी नहीं दे रहे हैं, वो इनको लगान भी नहीं चुका रहे हैं। ये तो लोकप्रियता की वजह से सत्ता में नहीं थे किसान और नवाब, सामंत और नवाब, वो तो जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में थे भाई। वो जार को प्रति बहुत निष्ठा रखते थे और सेवाएं करते थे जार की, ठीक है, बहुत सारी सेवाओं की। इन सभी की वजह से वो जार के प्रति, जार की वजह से वो सत्ता में थे, ना कि लोकप्रियता की वजह से, ठीक है। वहाँ के जो नवाब थे रूस के, कई जगहों पर जमींदारों की हत्या भी कर दी गई। 1902 में दक्षिण रूस में बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएँ घटती रही। देखो भाई, दक्षिण रूस में क्या हुआ, 1902 में दक्षिण रूस में जमींदारों की हत्या होने लगी। इस तरह की घटना वहाँ पे बड़े पैमाने पर घटने लगी दक्षिण रूस में 1902 में। और इससे इसके बाद 1905 में ये पूरे रूस में ही ये घटनाएं होने लगी, ठीक है। 1905 में ये पूरे रूस में इस तरह की घटनाएं होने लगी, समय समय पर अपनी सारी ज़मीन। अब देखो मजदूरों की वहाँ पे भाई, वो किसानों की एक और वो थी वहाँ पे, किसानों का एक और वहाँ पे जो विशेषता थी वो क्या थी, वो किसान समय समय पर अपनी सारी ज़मीन अपने कम्यून यानी मीर को, अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। फिर मीर ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से, देखो मतलब क्या कर रहा है, किसान समय समय पर अपनी ज़मीन मीर को सौंप रहे हैं, उसी ज़मीन को मीर क्या कर रहा है, उसी ज़मीन को मीर फिर से प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में ज़मीन को बाँट देता है। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, यहाँ पे आप कल्पना कीजिए, इमेजन करिए, यदि आप करोगे तो ये संकेत कर रहा है रूस में समाजवाद की ओर। किसकी ओर, रूस में समाजवाद की ओर, कि भाई सभी किसानों ने क्या कर दी, अपनी ज़मीन को मीर के हाथों में सौंप दी, और किसी की कम किसी की ज़्यादा, किसी की कम किसी की ज़्यादा है। तो अब उन्होंने सौंप दी, किसी ने कम दी किसी ने ज़्यादा दी, किसी ने बहुत ज़्यादा दी किसी ने बहुत कम दी, किसी ने दी नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पे फिर उसी ज़मीन को प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भाई परिवार की ज़रूरत है, अब उनको वापस उतनी उतनी नहीं दी जा रही है, अब दी जा रही है जितनी परिवार की ज़रूरत है उस परिवार की ज़रूरत के हिसाब से मीर उसी ज़मीन को किसानों में बांट रहा है। तो ये हमको रूस में समाजवाद की ओर संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको इस तरीके से फैक्ट्स उठाने हैं, कल्पना करनी है, आपको इमेजिन करना है कि ये पॉइंट किसकी ओर संकेत कर रहा है। यदि हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप कभी भी भटकने वाले नहीं हो और आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आप अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से रिलेट करते हुए चल रहे हो। अब इसके बाद क्या होता है, देखो रूस में समाजवाद, मैंने बोला था ना रूस में समाजवाद की ओर वो संकेत कर रहा है, तो अब समझते हैं रूस में समाजवाद की स्थिति कैसी थी। भाई 1898 में मार्क्स के विचारों को मानने वालों ने रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बनाई, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बनाई 1898 में मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों ने। और इस पार्टी में क्या हुआ, ये रूस को सामाजिक यानी समाजवाद लाना चाहती थी, समाजवाद का समर्थक बनाना चाहती थी, रूस में समाजवाद की भावना पैदा करना चाहती थी ये पार्टी 1898 में मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों द्वारा लाई गई थी। तो अब इसमें क्या हुआ, सरकारी आतंक के कारण गैरकानूनी संगठन के रूप में काम कर रही थी। भाई सरकारी आतंक के कारण ये पार्टी क्या कर रही थी, गैरकानूनी संगठन के रूप में काम कर रही थी। 1900 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई और ये किसानों के अधिकारों के लिए, अधिकारों के समर्थक में थी, किसानों के अधिकारों के समर्थक में थी, किसानों के अधिकारों की मांग कर रही थी। इसने क्या किया कि सामंतों की, इसकी जो मांग थी इस पार्टी की 1900 में लाई गई थी ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, कि सामंतों की जमीन छीन कर, सामंतों की जमीन छीन कर फौरन किसानों को सौंपी जाए, ये इसकी मांग थी। ठीक है, लेनिन के विचार, लेनिन के अनुसार, अब लेनिन क्या कह रहा है, लेनिन कह रहा है कि मजदूरों में एकजुटता नहीं है। लेनिन क्या कह रहा है, मजदूरों में एकजुटता नहीं है। देखो अब मैं आपको बताऊं, अगर यूरो रूस में जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो आप यहाँ पे पॉइंट बना सकते हो कि एक तो भाई वहाँ पे क्या था, किसानों के द्वारा समाजवाद के प्रति दृढ़तापूर्ण नीति, या फिर किसानों से समाजवाद को बढ़ावा मिला। ठीक है, अब समाजवाद को किसानों से बढ़ावा कैसे मिला वो मैं आपको पहले बताया हूँ, अभी कुछ पहले बताया हूँ। क्या बताया था कि भाई वो लोग क्या करते थे, अपनी पूरी ज़मीन मीर को सौंप देते थे, मीर उसी ज़मीन को फिर से परिवार की ज़रूरत के हिसाब से उन्हीं किसानों को बांट रहा है, यानी ये समाजवाद की ओर संकेत कर रहा है। दूसरी बात, वहाँ पे एक पार्टी बनाई गई 1898 में मार्क्स के विचारों को मानने वाले लोगों ने ये बनाई थी, और इस पार्टी का जो मकसद था रूस में समाजवाद की भावना को पैदा करना था। ठीक है, तो बट क्या हुआ, सरकारी आतंक के कारण ये पार्टी गैरकानूनी संगठन के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद 1900 में एक और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी आई, ये क्या कर रही है, किसानों के अधिकारों की मांग कर रही है। किसान समाजवाद के समर्थक थे, किसान क्या थे, वो समाजवाद के समर्थक थे, इसीलिए रूस में इस तरीके से समाजवाद। देखो तीन पॉइंट आपने नोट कर लिए, इनको आप खुद देखो, ये मेरा खुद का तरीका है। अब देखो आपको क्या करना है, इस तरीके से रीडिंग करना है और उसी रीडिंग में से खुद को, स्वयं को क्या करने, वो पॉइंट उठाने, फैक्ट्स उठाने, तब बढ़िया तरह में समझ में आपको आएगा। फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको पढ़ रहे हो ना और उसी टाइम पॉइंट उठा रहे हो, तो देखो आप, आपको चाहे ना, जैसे कि अब हम किसानों के द्वारा समाजवाद के प्रति दृढ़, तो अब इस पर क्या करोगे आप, ऐसा नहीं है कि आप ये पॉइंट बता दे बोल दे चुप, इससे आगे कुछ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो उसको एक्सप्लेन आप बहुत टाइम तक कर सकते हो। किसानों की स्थिति को आप बिल्कुल बेहतर ढंग से नज़दीकी से समझ सकते हो, और नज़दीकी से समझाना ही मेरा मकसद है, तो इसलिए आप इस तरीके से पढ़िएगा। अब यहाँ पे क्या था कि सामंतों की ज़मीन छीनकर फौरन किसानों को सौंपी जाए, ये था 1900 में जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी लाई गई थी उसका मकसद। अब लेनिन क्या कह रहा है, लेनिन के अनुसार मजदूरों में एकजुटता नहीं है। भाई वो क्या कह रहा है, मजदूरों में एकजुटता नहीं है, मतलब मजदूर एक नहीं है, एकता नहीं है मजदूरों में। वो कैसे कि भाई मजदूर, बहुत सारे मजदूर अमीर थे, बहुत सारे मजदूर गरीब थे, बहुत सारे मजदूर मीडियम मध्यम स्थिति में थे, तो मतलब मजदूरों की स्थिति अलग अलग थी, और एकजुटता अगर नहीं है ना मजदूरों में तो समाजवाद के प्रति या समाजवाद को लाना मुश्किल है, यानी समाजवाद नहीं लाया जा सकता। समाजवाद को लाने के लिए मजदूरों में एकजुटता का होना बहुत ज़रूरी है, ये लेनिन ने कहा था। ठीक है, तो आप इसके लेनिन के विचार भी वहाँ पे रख सकते हो। दूसरी बात, वहाँ पे विभेदों का होना भी, इसकी वजह से भी समाजवाद नहीं लाया जा सकता। समाजवाद लाने के लिए क्या करना होगा, विभेदों को दूर भगाना होगा और मजदूरों को एकजुट होना होगा, और जो वहाँ पे जो लोग जार निकोलस सेकंड है उसके प्रति आंदोलन करना होगा, आंदोलन के एक हिस्सा बनना होगा, और उस आंदोलन को समाजवादी रूप से
या समाजवाद के लिए करना होगा, तभी जाके समाजवाद की भावना रूस में लाई जा सकती है, वरना आप समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते, समाजवाद को नहीं ला सकते रूस में। ठीक है, ये लेनिन का विचार था। 1905 की क्रांति, यदि हम 1905 की क्रांति की बात हम करें तो चलिए 1905 की क्रांति को समझ लेते हैं। 1905 की क्रांति क्या थी? 1905 की क्रांति, देखो इसमें निरंकुश राजशाही, तो भाई ये तो आप सब जानते हो कि वहाँ पे जो जार निकोलस सेकंड था वो निरंकुश राजशाही का शासन कर रहा था। दूसरी बात, जार निकोलस सेकंड राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र था, वो सब कुछ करने के लिए तैयार था, उस पर किसी भी तरह का कैसा भी अंकुश नहीं था, उसका जो शासन था वो बिल्कुल निरंकुशकारी था। ठीक है, तो अब इसकी जो स्थिति थी, इसकी स्थिति को उदारवादियों ने समीप से देखा। उदारवादियों ने क्या कहा, इस स्थिति को समीप से देखा कि भाई राजा है जो वो बिल्कुल निरंकुश है, उसके पास किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। उदारवादियों के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था ये क्या चाहते हैं, क्या इनकी सोच थी, देखो पिछली वाली वीडियो देखो, बाद में इस वाली वीडियो को देखना। ठीक है, अब क्या हुआ, उदारवादियों ने स्थिति को समीप से देखा और वो राजा की इस क्रांतिकारी सॉरी राजा की जो ये शक्ति थी, निरंकुशकारी शक्ति, इस शक्ति को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई उदारवादियों ने। उन्होंने इस समस्या का समाधान, इस स्थिति को समाप्त करने की सोचा और उन्होंने क्या किया, किसानों और मजदूरों से भी बातचीत की, उन्होंने भी काम करवाने की कोशिश की उदारवादियों ने। राष्ट्रीयवादियों और जदीदियों का समर्थन भी उदारवादियों को मिला। अगर यदि आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही कवर करते तो आप इन तरह के वर्ड्स को छोड़ जाते जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जदीदियों का मतलब इस्लामिक आधुनिकीकरण के समर्थक, इस्लाम धर्म के समर्थक, इस्लाम धर्म के आरंभिक समर्थक बोल सकते हैं, इस्लाम धर्म के आरंभिक समर्थक यानी इस्लाम धर्म का आधुनिकीकरण करने वाले लोग कौन थे, जदीदी कहलाते थे। ठीक है, तो जदीदियों और राष्ट्रवादियों का समर्थन इन लोगों को, उदारवादियों को मिला। तो अब यहाँ पे क्या होता है, 1904 की यदि हम बात करें, 1905 की क्रांति से पहले 1904 पे यदि हम जाएं, तो उस टाइम में मज़दूरों की स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी, कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होने लगी थी। ठीक है, ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होने लगी, मज़दूर संगठनों की जो मज़दूर संगठन थे उनमें सदस्यता में भी वृद्धि हुई। भाई क्या था, मतलब मज़दूर संगठन क्यों बनाए, वो बनाए थे कि मतलब कोई भी यदि संकट है, आर्थिक संकट, बेरोजगारी संकट, तो इस संकट में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, सहायता कर सकें। और ये मज़दूर संगठन भी समाजवाद को दर्शाता है, समाजवाद की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक फैक्ट आपके सामने आ जाएगा। बस आप डीप स्टडी करना है आपको, पॉइंटों को रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए क्या है, देखो अब क्या हम कितने पॉइंट्स निकाल चुके हैं समाजवाद पे, भाई मज़दूर संगठन भी समाजवाद की ओर संकेत कर रहा है, वो समाजवाद की ओर संकेत कैसे कर रहा है, भाई समाजवाद में मतलब क्या है कि मज़दूरों ने संकट के समय, आर्थिक संकट, बेरोजगारी संकट के समय यदि कोई भी ऐसा संकट आता है तो उन्होंने संगठन बनाए, उस संगठन में एक दूसरे की ओर सहायता कर सकें, तो ये भी समाजवाद की ओर क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इसके पहले यदि हम देखें तो किसानों के द्वारा जब वो ज़मीन उसको लिए दी जाती थी, मीर को हाथों में सौंपी जाती थी, तो वो भी समाजवाद की ओर संकेत करता है, हैं? तो दो पार्टियां उभरी 1892 में, 1902 में, वो पार्टियां भी समाजवाद की ओर संकेत कर रही हैं। तो इस तरीके से आप स्वयं उठा लेंगे आशा करता हूँ, और इसी तरह से मैं आपका वो जो जो दिमाग है उसका विकास करना चाहता हूँ। 1904 में वहाँ पे क्या हुआ, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा का गठन होता है, रूसी श्रमिक सभा बनाई जाती है 1904 में। चार सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में नौकरी से हटा दिया जाता है, प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में नौकरी से हटा दिया जाता है चार सदस्यों को। और इन्हीं चार सदस्यों को हटाने की वजह से क्या किया, लोगों ने हड़तालें की, आंदोलन किए और बहुत सारे इन्होंने कार्य किए। ठीक है, इन मज़दूरों को हटाने की वजह से, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि चार ही सदस्यों को हटाया गया था, तो मज़दूरों ने क्या कर दिया, आंदोलन खड़ा कर दिया
और क्या कर दिया वहाँ पे, हड़तालें की, तो ये भी समाजवाद की ओर संकेत कर रहा था। ठीक है, मांग सेंट पीटर्सबर्ग। अब देखो मांग क्या थी भाई, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग एक औद्योगिक इलाका था, मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें यहाँ पे क्या लोगों ने मांग क्या की, लोगों ने मांग की कि काम के घंटे घटाकर 8 घंटे की जाएँ, मतलब उनका टाइम निश्चित किया जाए और 8 घंटे निश्चित किए जाएँ, काम के घंटों को घटाया जाए, वेतन में वृद्धि की जाए, वेतन बहुत कम दिया जाता है इसलिए इसमें वृद्धि की जाए, कार्य स्थितियों में सुधार किया जाना चाहिए, बेहतर ढंग से कार्य स्थितियों को किया, कार्य स्थितियाँ होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए। तो इस तरीके के मतलब इन लोगों ने हाँ मांग वहाँ पे ये लोग करते हैं इस तरीके की। अब देखो हड़ताल पर चले गए भाई, वो जो 4 सदस्य हटाए, तो अब मजदूरों ने क्या क्या आंदोलन शुरू कर दिए, हड़ताल पर चले गए। ठीक है, और जो मतलब वो जो हड़ताल जो कहाँ गई, हड़ताल गई जुलूस विंटर प्लेस, जुलूस विंटर प्लेस, एक जुलूस विंटर प्लेस पर गई, जार के महल पर गई थी। ठीक है, और उस पर क्या होता है, इस जो ये जो जुलूस विंटर महल प्लेस पर जाता है, जार के महल पर जाता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था पादरी गेपोन, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था पादरी गेपोन, उसका नेतृत्व कर रहा था पुलिस ने, पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने वहाँ पे जो भी मजदूरों की जो जो हड़ताल वहाँ पे गई थी, मजदूरों का जो जुलूस वहाँ पे गया था, ठीक है हड़ताल पर, तो उन पर क्या कर दिया, हमला बोल दिया, और 100 मजदूरों की मृत्यु वहाँ पे होती है, 300 से ज़्यादा वहाँ पे घायल होते हैं। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहा गया, इसी घटना को नाम दिया गया खूनी रविवार की घटना, इस घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना गया था। समझ रहे हो कौन सी घटना की भाई, जब 4 सदस्यों को हटा दिया गया, उनकी नौकरी से उसको निकाल दिया गया, उन चार सदस्यों की नौकरी से निकालने के विरोध में मजदूरों ने संगठन किए, संगठन बनाए, हड़ताल पर बैठने के लिए एकजुट हुए, और वो लोग आंदोलन के लिए भी प्रेरित हो गए, तैयार हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक जुलूस निकाला उनके विरोध में, एक जुलूस निकाला, और विंटर प्लेस पर वो आके पहुंच जाते हैं, जार के महल पर पुलिस वहाँ पर हमला बोल देती है उन पर, और 100 मजदूरों की मृत्यु होती है, 300 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तो इसी घटना को खूनी रविवार की घटना के नाम से जाना जाता है। उस हड़ताल का, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था पादरी गेपोन इस घटना का नेतृत्व कर रहा था, उस जुलूस का नेतृत्व कर रहा था। तो इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, और खूनी रविवार की घटना की वजह से ही 1905 की क्रांति की शुरुआत होती है, इसी घटना की वजह से। अब हड़तालें पूरे देश में होने लगी भाई, क्या होने लगा, हड़तालें पूरे देश में होने लगी, नागरिक स्वतंत्रता के अभाव को फील करने लगे, और उसका विरोध करने लगे कि भाई स्वतंत्रता का यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता का अभाव है, इसका विरोध करने लगा, अभाव का विरोध करने लगे कि नागरिकों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा अभाव है नागरिक स्वतंत्रता में। देश में जगह जगह पर भाई हड़तालें होने लगी पूरे देश में, विद्यार्थियों ने अपने कक्षाओं का बहिष्कार किया है, कक्षाओं का बहिष्कार किया, डॉक्टर वकील इंजीनियरों ने यूनियंस की स्थापना की, क्या किया डॉक्टर वकील इंजीनियरों ने क्या किया वहाँ पे यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। और 1905 में क्या करता है, जार ने निर्वाचित परामर्शदाता संसदीय ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी थी, जार ने क्या कर दिया, जार ने निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा भी आप इसको बोल सकते हो, ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी थी। और मजदूरों के ट्रेड यूनियन तथा फैक्ट्री कमेटियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया था जार ने। ठीक है, तो इस तरह की वहाँ की कंडीशन होती है 1905 में। इसके बाद वहाँ पे देखो ड्यूमा आप समझ रहे, निर्वाचित परामर्शदाता सभा, ठीक है ये समझ रहे हो। अब यहाँ पे तो पहली ड्यूमा हुई थी 75 दिन के भीतर पहली ड्यूमा को भंग कर दिया गया, दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर भंग कर दिया गया, तीसरी ड्यूमा में उसने रूढ़िवादियों को राजनेता में भर डाला, यानी रूढ़िवादियों को राजनेता के रूप में अंदर कर डाला तीसरी ड्यूमा में, और जो उदारवादी क्रांतिकारी थे उनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से कार्य होने लगे। पहला युद्ध की यदि हम बात करें तो 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया था, एक तो ऑस्ट्रेलिया तुर्की और जर्मनी,
एक तो दो यूरोपीय गुटबंध दोनों में छुट गया था ना युद्ध, तो एक साइड था यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और जर्मनी ये केंद्रीय शक्ति थे, दूसरी साइड फ्रांस, ब्रिटेन और रूस केंद्रीय शक्ति थे। तो इस युद्ध को रूसियों का समर्थन मिला था स्टार्टिंग में, और जनता क्या कर रही थी, जार का साथ दे रही थी। और अब क्या गया, युद्ध लंबा खिंचता गया, युद्ध लंबा खिंचता गया, तो जार ने क्या किया, ड्योमा में मौजूद पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्योमा में मौजूद पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। सलाह लेने से क्या हुआ, जन समर्थन में कमी आई, जन समर्थन में कमी आने की वजह से क्या हुआ, जर्मनी विरोधी भावनाएं बलवती होने लगी, भाई जर्मनी विरोधी भावनाएं उभरने लगी, भाई जनता ने भी भाई जार का साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि जार ने भी तो क्या कहा, ड्योमा में मौजूद जो पार्टियां थी उनसे सलाह लेनी छोड़ दी थी। तो इसलिए वहाँ की जो रूस की कंडीशन थी वो कमज़ोर होती गई, और वहाँ पे क्या है, जर्मन विरोधी भावनाएं बलवती होती होने लगी। तो और सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर पेत्रोग्राद रख दिया गया, जर्मनी का नाम ही था, ये इसलिए रखा गया था क्योंकि जर्मनी का नाम था। तो इस तरीके से वहाँ की स्थिति होती है 1905 में। अब हम बात करें तो जार निकोलस सेकंड की पत्नी थी जरीना, जार निकोलस सेकंड की पत्नी थी जरीना, ठीक है। और एक था रास पुतिन, उसका सलाहकार, ये सन्यासी था, ये सलाहकार था। तो इसने क्या किया, जो इसकी पत्नी थी जार निकोलस की और जो ये रास पुतिन सलाहकार था, इसने जार निकोलस को अलोकप्रिय बना दिया, रूस में जार निकोलस के शासन को अलोकप्रिय बना दिया था। ये अपनी सलाह के अनुसार, ये अपने अपने मन के अनुसार काम कर रहे थे, ठीक है, अपने जो ये चाहते थे वो ये करवाते थे जार निकोलस से, अपनी इसकी जार निकोलस की पत्नी जरीना और रासपुतिन, ठीक है। तो अब पश्चिमी मोर्चे और पूर्वी मोर्चे पर लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, युद्ध छिड़ा हुआ था, सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे। पश्चिमी पश्चिमी मोर्चे पर जो सैनिक थे वो पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, खाइयों से लड़ रहे थे। और जो पूर्वी मोर्चे पर था, पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फैसला तय कर लिया था, और 1917 तक 70 लाख लोग वहाँ पे मर चुके थे, मारे गए थे। रूसी सेना पीछे हटती गई, पीछे हटते हटने के साथ साथ उसने क्या किया कि भाई जो फसलें आ रही थी, जो इमारतें आ रही थी, उनको नष्ट कर दिया गया। नष्ट उनको इसलिए किया गया ताकि दुश्मन के सेनावासी वहाँ पे ना टिक सके, और 30 से ज़्यादा लाख लोग वहाँ पे शरणार्थी बन गए थे। इस तरीके से रूस की वहाँ पे कंडीशन थी, स्थिति थी। तो अब हम इसके बाद करेंगे रूसी क्रांति के कारण क्या हैं, फिर हम बात करेंगे रूसी क्रांति के प्रभाव क्या हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें, और कमेंट करके हमको बताएं कि आपका कैसा अध्ययन हुआ, आपको कैसे समझ में आया या नहीं आया, आप हमको कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।